हेलो दोस्त, मैं आपका दोस्त राहुल और मैं आज आप लोगों को कुछ इस तरह की एल्बम बनाने की एडिटिंग बतलाने वाला हूँ। मैं अपना एल्बम ये कैसे बनाया हूँ, आप लोग बस शुरू से लास्ट तक बने रहे हैं ताकि आप लोगों को भी अच्छी तरह से जानकारी मिल सके। तो हमारे इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को प्रेस करें ताकि अगला नोटिफिकेशन आप लोग के पास तक जल्द से जल्द मिल सके। तो आइए, मैं इस एडिटिंग की कर ले रहा हूँ तैयारी। तो आप लोगों को सबसे पहले दो ऐप्स की ज़रूरत होगी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड जाकर के कर लीजिएगा। सबसे पहले पहले का नाम है एक पिक्सल ऐप और दूसरा का ऐप्स का नाम है पिक्सल। तो आप लोगों को पहले पिक्सल ऐप में जाना होगा, यहाँ से आप लोग अपना एल्बम बनाना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आ गया, तो यहाँ पर आ जाने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, नीचे में चार ऑप्शन दिख जा रहा है, चार ऑप्शन। तो मैं एडिटिंग करने से पहले मैं एक छोटा सा बात बोलने वाला हूँ ताकि हमारा मोबाइल का डिस्प्ले थोड़ा बड़ा है तो आप लोग पूरा फुल स्क्रीन में कर करके तब वीडियो को जानकारी लें ताकि अच्छी तरह से जानकारी आपको मिल सके। तो आप लोग को सबसे नीचे में पाँच ऑप्शन दिख जा रहा है, तो इसमें चौथे नंबर ऑप्शन पर जाना है, इस पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ से गैलरी में से भी अपना बैकग्राउंड लगा सकते हैं और नहीं तो नया बना भी सकते हैं इधर से बैकग्राउंड। तो मैं गैलरी में से लगाने वाला हूँ बैकग्राउंड, तो मैं ये वाला बैकग्राउंड लगाने वाला हूँ। मैं गैलरी में से अपना बैकग्राउंड ले रहा हूँ। शुरू से लास्ट तक बने रहे ताकि आप लोगों को भी अच्छी तरह से जानकारी मिल सके। मैं ये वाला बैकग्राउंड भी आप लोगों को बना करके दिखा दे रहा हूँ। ये वाला बैकग्राउंड आ जाने के बाद आप लोग को क्या करना होगा कि ये जो ऊपर में शो करेगा न्यू टेक्स्ट पे आप लोग को क्या करना होगा कि आप लोग को यहाँ पे हिंदी में कुछ लिखना होगा। जैसे कि मैं लिख ले रहा हूँ ग्राम पंचायत राज्य, ये जो मैं लिख लिया ग्राम पंचायत राज्य। इतना हो जाने के बाद आप लोग को क्या करना होगा कि ये जो ये वाला ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे आकर के आप लोगों को इधर भगाते आना है और लास्ट में इधर दिखेगा आप लोगों को फॉन्ट पे आप लोगों को ये भी फॉन्ट पे जाना है। यहाँ पे आ जाने के बाद आप लोग अपना जो भी जिस तरह की आप लोगों को बहुत सारा यहाँ पे फॉन्ट मिल जाएगा, आप लोग किस तरह के स्टाइलिश में रखना चाहते हैं अपना, आप लोग यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा जैसे कि आप लोग जिस तरह की एडिटिंग चाहिए। तो मैं ये वाला सिंपली दिखाने के लिए आप लोगों को ये वाला करके दिखा दे रहा हूँ, ग्राम पंचायत राज हो गया। इतना हो जाने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा कि इसका कलर को करना होगा, जैसे कि ये जो कलर का ऑप्शन दिख जा रहा है कलर पे, ये पे आप लोग का ये नीचे में ये पे मैं क्लिक किया हूँ तब ये वाला ऑप्शन खुला है। आप लोग को ये पे ही रखना है और उसके बाद कलर पर जाना है, कलर को कर लेना है यहाँ पर ब्लैक। हो जाने के बाद आप लोग को ऊपर से कर देना होगा सही। सही हो जाने के बाद आप लोग और भगाते जाना और यहाँ पे आप लोग को चार पांच ऑप्शन गोल गोल जैसा गेंदा जैसा दिखेगा। तो सबसे पहले वाला फर्स्ट वाला ऐप पे आप लोगों को करना होगा क्लिक और यहाँ पे कर देना होगा इनेबल। इनेबल हो जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे भी मिल जाएगा बहुत सारा कलर, तो आप लोग को यहाँ पर वाइट रखना है और वाइट रखने के बाद आप लोग को थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिएगा ऐसे, जैसे कि नीचे में आप लोग जितना बढ़ाइएगा उतना ये जो बढ़ता है घटता है देख रहे हैं। तो आप लोग मैं इतना पे रखना चाहता हूँ। इतना हो जाने के बाद आप लोग को क्या करना होगा कि आप लोग अपने हिसाब से साइज को छोटा बड़ा कर करके रख सकते हैं। इतना हो गया, इतना हो जाने के बाद आप लोग को फिर इस पर क्लिक, ये वाला फ़ोटो पे फिर एक बार क्लिक करना है और यहाँ पे ऊपर में पेंसिल का चिन्ह दिखेगा, इस पर जा करके यहाँ पर कॉपी कर लेना है। कॉपी हो जाने के बाद यहाँ पर और फिर नीचे में जो कुछ भी लिखना है, जैसे कि मैं रुको यहाँ पर लिखना होगा गोपालगंज जैसी पा खास SHIC पा खास। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ सिंपली नाम ही अपना लिख ले रहा हूँ राहुल। ये राहुल कुमार मतलब मैं सिंपली आप लोगों को बताने के लिए ये वाला कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग भी आप लोग जो कुछ भी लिखना चाहते हो आप लोग लिखिएगा, बल्कि मैं आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए ऐसा कुछ कुछ लिख करके आप लोगों को सिंपली दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे हो गया, इसके बाद ये फिर यहाँ पे आप लोगों को कर लेना होगा कॉपी। हो जाने के बाद यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा कि यहाँ पे आ जाने के बाद यहाँ पे अभी लिख देना है, जैसे कि मैं लिख दे रहा हूँ राजा राम। ये राजा राम मैं लिख दे, ऊपर से ओके करेंगे तो मेरा राजा राम इस कलर पर शो कर रहा है। तो इसको क्या करना होगा कि आप लोग को यहाँ पे आना होगा कलर पे जाने के बाद आप लोग यहाँ से जो भी बैकग्राउंड कलर रखना चाहते हैं, जैसे कि ये वाला भी है ये वाला भी है, तो
तो मैं ये वाला रख करके उसके बाद कर दूंगा, सही सही हो जाने के बाद आप लोग को चले जाना होगा, फिर भगाते जाना। और ये जो ऑप्शन आप लोग फर्स्ट वाला जो चालू किए थे, यहाँ से आप लोग अपना चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को सिंपली दिखा दे रहा हूँ, कुछ दूसरा हिसाब से आप लगा कर करके देखिए दोस्त, मैं ये वाला लगा दिया। और इसके बाद आप लोगों को इसमें फ़ोटो आप लोगों को कैसे लगाना है, ऐसे ऐसे आप लोग अपना एल्बम बना लीजिएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को सिंपली दिखा ही दे रहा हूँ मैं कैसे अपना एल्बम बनाया हूँ। हेलो दोस्तों, तो देखिए हमारे ये वाला रहा, ये वाला मैं ऐसे अपना एल्बम बनाया हूँ, ऐसे ऐसे आप लोग भी अपना लिख लीजिएगा। जैसे कि मैं इतना लिख करके दिखाऊंगा तो आप लोगों को मेरा वीडियो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं पूरा नहीं दिखा सकता हूँ लिख करके। अब इतना से ही आप तो समझ ही गए होंगे। इसके बाद यहाँ पर बस एक स्टेप और बाकी है कि आप लोग अपने इस यहाँ पर फ़ोटो कैसे लगाएंगे। फ़ोटो कैसे लगाने के लिए आप लोग को तीसरे वाला सबसे नीचे वाला ऑप्शन में तीसरे वाला पे करना होगा क्लिक। क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा इमेज मतलब गैलरी का, यहाँ पे मिलेगा। गैलरी पे जाना होगा। गैलरी पे जाने के बाद आप लोग एक पीएनजी फ़ोटो आप लोगों को पहले से बना करके रखना होगा, जिसका पीएनजी बनाने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस पर एक वीडियो बनाया हूँ, वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। गूगल से मैं पीएनजी बनाता हूँ अपने फ़ोटो को, तो आप लोग भी यहाँ से जा करके पीएनजी बना लीजिएगा। मैं वो वाला पीएनजी फ़ोटो को अपने मोबाइल में ले रहा हूँ। मेरा पीएनजी फ़ोटो बस मैं सिंपली ये वाला फ़ोटो लगा करके दिखा दे रहा हूँ। मेरा फ़ोटो अभी नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं यही वाला आप लोगों को सिंपली मैं फ़ोटो लगा करके ऐसे बता दे रहा हूँ। आप लोग अपने हिसाब से ऐसे लगा दीजिएगा। इतना हो जाने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको कर लेना होगा शेयर, ऊपर में जाना होगा, और ऊपर से करने के बाद यहाँ पर सेट एस इमेज पर जाना होगा। यहाँ पर जाने के बाद आप लोग को सेव टू गैलरी कर लेना होगा। इतना हो जाने के बाद आप लोग को गैलरी में चला आएगा आपको। उसके बाद आप लोग को पिक्सआर्ट में ओपन करना है। पिक्सआर्ट ओपन करने के बाद आप लोग को क्या करना होगा कि यहाँ पे प्लस पे जाना होगा। प्लस पे जा करके आप लोग अपना बैग जो एडिट किए हैं वो वाला यहाँ पे ले लेना है। मैं तो आप लोगों को पूरा लिख करके बताया नहीं था कि मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। इसके बाद आप लोग को क्या करना होगा, भगाते जाना और यहाँ पर दिख जाएगा आप लोगों को। एक स्टेप इसमें काम करना है, BORDER इस पे आप लोगों को करना होगा। पेंसिल के बाद पे दिख रहा है या इस पे करना होगा क्लिक। क्लिक करने के बाद आप लोगों को सिंपली क्या करना होगा कि ऊपर वाला जो कलर है ये वाला, ये ब्लैक हटा करके यहाँ पे आप लोगों को रेड रखना होगा, ऊपर से सही कर देना होगा। इतना हो जाने के बाद आप लोगों को वाइट वाले को थोड़ा सा हल्का सा कर देंगे, इसके बाद ऊपर से कर देंगे सही। देखिए दोस्त, ये वाला पिक्स आठ एप में आने से कितने बदलाव आ जा रही है। तो हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, पसंद लगे, तो हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल घंटी को प्रेस करें ताकि अगला नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तक जल्द से जल्द मिल सके।